पूंछ यासिन मोहम्मद चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर संजीव कुमार के साथ शहर में वाक कृष्ण चंद्र पार्क में बनाए गए ट्यूलिप गार्डन का बाकायदा अफ्तताह किया। अफ्तताही तकरीब के साथ ही इस बाग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है ताकि लोग इसमें खिलते रंग बिरंगे फूलों को देख सके। जानते हैं कि हमारी कृष्ण चंद्र पार्क में दो साल पहले एक ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट किया गया था और हम हर साल उसका ब्लूमिंग पीरियड के दौरान ओपन करते हैं और इस साल भी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ 6 डिफरेंट एग्जॉटिक वेराइटीज़ प्लांट की गई और आप जैसे देख रहे हैं कि फुल ब्लूम में है। हमारी कोशिश है कि शहर की जितनी भी हमारी फ्लोरिकल्चर पार्क्स या लावा पार्क्स भी हैं उन्हें हम अपग्रेड करें और इसी के चलते जैसे आप देख रहे हैं कि एक नई पार्क जॉगर्स पार्क जो हम बना रहे हैं एसके ब्रिज के साथ उसका भी काम जोरों शोरों से है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहरवासियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। मैं यहाँ पे आज ट्यूलिप गार्डन की इनॉग्रेशन देखने आई थी और ये बहुत ही खूबसूरत और वाइब्रेंट कलर के ट्यूलिप्स यहाँ पे उगाए गए हैं। अराउंड 6 स्पीशीज यहाँ पे उगाई गई। हमें ये तो पता है कि श्रीनगर में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है वो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ट्यूलिप्स के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि सारे के सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर भी आएँ और यहाँ के पुंछ के वाइब्रेंट कलर्स देखिए ज़रूर ज़रूर और यहाँ के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा उस वजह से। तो सबको मैं ज़रूर निवेदन करूँगी। असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ आप सभी का वेलकम करता हूँ और मैं पुंछ के आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डीजी साहब की डायरेक्शंस पे हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे हमने ये पार्क यहाँ पे डेवलप किया है 2 कनाल एरिया में और